बोधिसत्व क्या है और कौन बन सकता है, भाग दो। छठी अवस्था वह अभिमुखी जीवन नामक विद्या को प्राप्त कर लेता है। अब इस अवस्था में चीज़ों का विकास, उनके कारण, 12 निदानों को हृदयंगम करने की बोधिसत्व की तैयारी पूर्ण हो गई है और यह अभिमुखी नामक विद्या उसके मन में सभी अविद्या से ग्रस्त सभी प्राणियों के लिए अतुल्य करुणा का संचार कर देती है। सातवीं अवस्था, इस अवस्था में बोधिसत्व दुर्गमा भूमि को प्राप्त करता है। अब इस अवस्था में बोधिसत्व दुर्गमा भूमि में काल के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह अनंत के साथ एक हो गया है, परंतु अभी भी वह प्राणियों व्यक्तियों के प्रति करुणा का भाव रखता है। इसी कारण वह देहधारी है। वह दूसरे प्राणियों से इसी बात में अलग है कि अब बोधिसत्व को भव तृष्णा किसी भी प्रकार से स्पर्श नहीं कर सकती। जैसे पानी किसी कमल के फूल को, वह तृष्णा मुक्त होता है, वह कुशल होता है, वह वीर्यवान होता है, वह शांत होता है, वह बुद्धिमान होता है और वह व्यक्ति प्रज्ञावान होता है। अपनी इस जीवन अवस्था में वह धर्म का जानकार होता है। लोगों के सामने धर्म की जानकारी इस प्रकार से रखता है कि उनकी समझ में एकदम आ जाए। वह कुशल और क्षमाशील होता है। दूसरे व्यक्ति उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें उसको वह सह लेता है। वह सहनशील होता है क्योंकि वह जानता है कि ऐसा व्यक्ति अज्ञानता के कारण ही ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहा है। इसके बावजूद भी वह दूसरों का भला करने में थोड़ी सी भी कमी नहीं करता और न ही वह अपने चित्त को प्रज्ञा से उधर उधर भटकने देता है। इसीलिए उस पर कितनी भी विपत्तियां, कितना भी कष्ट आए, वे उसे अच्छी रास्ते से कभी भी नहीं हटा सकती। आठवीं अवस्था में वह बोधिसत्व अचल हो जाता है। ऐसी अचल अवस्था में वह कोई कोशिश नहीं करता, वह कृतकृत्य संपूर्ण हो जाता है। उस बोधिसत्व व्यक्ति से जो भी कुशल कर्म, अच्छे कार्य होते हैं, वे सब अनायास होते जाते हैं, अपने आप होते जाते हैं। जो कुछ भी वह कार्य करता है उसमें सफल होता जाता है। नौवीं अवस्था, वह साधुमती भूमि को प्राप्त होता है, जिसने सभी धर्मों या पद्धतियों को जीत लिया है या उनके अंदर प्रविष्टि पाली है, सब दिशाओं को जीत लिया है, समय की सभी मर्यादाओं को पार कर गया है, वह साधुमती अवस्था को प्राप्त हुआ कहलाता है। दसवां जीवन, इस जीवन में वह धर्म मेधा बन जाता है, बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा ही बुद्ध बनना है।